hello my dear students myself prajakta pereira and i'll be teaching you subject called science part 1 okay now in this subject there are total 10 chapters okay so let us start with chapter 1 okay before i start chapter 1 let me tell you teaching in front of you in classroom using board is different and teaching like this is different okay using recordings and all okay ते जास्त इफेक्टिव्ह असतं जे क्लासरूम मध्ये शिकवणं असतं बोर्ड युज करून शिकवणं असतं हे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला डाउट्स येऊ शकतात काही गोष्टी कदाचित करणार नाहीत ओके बट आय विल मेक शोअर ओके आय आय विल ट्राय माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टँड ऑल दी टॉपिक्स स्टिल जर तुम्हाला डाउट्स असेल तुम्ही कधीही मला व्हिडिओ कॉल करू शकता ऑडिओ कॉल करू शकता आणि डाउट्स क्लिअर करू शकता ठीक आहे ओके सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेटस स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट चा ग्रॅव्हिटेशन ओके नाओ कॅन यू इमॅजिन व्हॉट इज ग्रॅव्हिटेशन अँड कॅन यू इमॅजिन युअर युअर वर्ड विदाउट ग्रॅव्हिटेशन तुमचं जग आपलं जे जग आहे ते आपण विदाउट ग्रॅव्हिटी आपण इमॅजिन करू शकतो का ओके टेल मी व्हॉट हॅपन्स इफ दर इज नो ग्रॅव्हिटी व्हॉट हॅपन्स ओके जर ग्रॅविटी नसेल तर काय होईल जर ग्रॅव्हिटी नसेल तर आपण व्यवस्थित बसू शकतो का आपण व्यवस्थित चालू शकतो का No, we cannot walk properly. We cannot sit properly. We cannot sleep properly, right? Okay. So gravity is very much important. Okay. Uh, you 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 must have seen uh, some uh, I mean videos or or uh, something photos of astronauts going in spaceships. Okay. Spaceship astronauts te float Okay. व्यवस्थित बसू शक नहीं कारण का कारण तिक ग्रैविटी नर ग्रैविटी इज वेरी लेस ओकेज अ प्लैनेट विच हेज गॉट अ गिफ्ट कॉल्ड ग्रैविटी मून मून हैज ग्रैविटी बट ग्रैविटी इज वेरी लेस कमेर टू अर्थ ओके सो ग्रैविटेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आर डे टू डे लाइफ एंड वी नीड टू स्टडी ग्रैविटेशन ओके सो लेटस so let us see history of gravity okay you don't have this in your syllabus still we will have we'll just have a look okay so it is better to know the history right so uh, there were many scientists okay who gave different theories about universe okay first there was scientist called ptolemy okay and ptolemy gave very uh, important theory that is geocentric theory of universe okay or geo geocentric universe theory okay what this theory says that uh, geocentric means what geo and centric centric means center so what this theory is saying that earth is at the center earth is at the center and all the other planets including sun is revolving around the earth okay what this theory is saying okay key हमारा जो अर्थ है वो सेंटर में है और बाकी सब सारे प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ ओके बट वी नो दैट दैट इज़ नॉट करेक्ट ओके नाउ वी आर बिलीविंग इन अदर थ्योरी ओके सो दैट दिस वाज वेरी अर्लियर ओके बहुत पहले ये सब था देन केम अदर साइंटिस्ट कोपरनिकस वॉट कोपरनिकस सेट ही थ्योरी ओके हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सेज दैट

थियोरी ओके मेड रिसर्च ऑन सेम थियोरी ओके एंड वॉट इज है यूनिवर्स एंड ऑल ओके उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया एंड देन केम ए साइंटिस्ट नेम न्यूटन ओके एंड ही फाउंड आउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन ओके okay. हे जो सारे सायंटिस्ट आहे ह्या सगळ्या सायंटिस्टने काय फाइंड आउट केलं की कसं युनिवर्स कसं आहे आणि कौन कोण कोणाभोवती फिरतंय ठीक आहे पण त्यांना एक कन्फ्युजन होतं त्यांना एक क्वेश्चन होता की वाय वाय सन इज ॲट द सेंटर अँड ऑल दी दाऊ ऑल दी अदर प्लॅनेट्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड सन म्हणजे ते कसे रिव्हॉल्व होतात सन सन च्या अराउंड अर्थ कसे रिव्हॉल्व होते अर्थ इकड़े तिकड़े का तिक नहीं कि वो खाली का पड़त नहीं ती कशी रिवॉल्व होते ओके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट और व्हाट इज द फोर्स व्हिच इज कीपिंग दैट अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन ओके सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज फोर्स ऑफ ग्रैविटेशन को फोर्स होता तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड हु इन्वेंटेड दिस न्यूटन ओके सो इन आवर चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस concept of gravitation and this concept is given by a great scientist named newton okay now what happened okay uh, newton sakai he uh, newton chima ka find out kela okay so, let us see what happened one very fine day newton was sitting under a tree okay let us say apple tree we don't know which tree was that okay so uh, there was an apple tree and uh, what happened he was sitting

he made research on that and then he came with one law see how it is falling yeah uh, then he came up with one law called as newton's universal law of gravitation okay newton's universal law of gravitation okay now uh, have you have you heard other you must have seen other uh, laws right uh, faraday's law uh, newton's law of motions okay ये जो नाम है यूनिवर्सल ये आपने कहीं पे भी देखा नहीं होगा ओके आई एम सॉरी ओके तो ये वाला जो लॉ है न्यूटन का ग्रेविटेशन का वाई दिस नेम हैज कम ओवर यूनिवर्सल ओके यू नो वाई बिकॉज वॉट न्यू न्यूटन सेज दिस लॉ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इज फॉर यूनिवर्स ओके इट इज अप्लाइड एवरीवेर इन द यूनिवर्स ओके मतलब आप कहीं पे भी जाओ वेदर यू यू आर ऑन अर्थ और वेदर यू गो टू प्लूटो और यू गो टू मार्स यू गो एनी वेर इन यूनिवर्स दिस लॉ इज एप्लीकेबल एवरी वेयर सो इट इज कॉल्ड एज न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फाइन ओके सो लेट लेटस सी वॉट इज दिस लॉ ओके सो फर्स्ट आई विल रीड द लॉ एंड देन वी विल सी ओके वॉट इज देयर इन द लॉ और आई विल एक्सप्लेन द लॉ फर्स्ट okay listen carefully i am reading every object in the universe okay universe right every object in the universe attracts every other object with a definite force okay and this force is directly proportional to the product of masses of two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them okay okay fine no problem करो की दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ओके सपोज ये दो ऑब्जेक्ट है ये है सपोज दीज आर टू बॉल्स ओके ये दो बॉल है एक ब्लू कलर बॉल है एक ग्रीन कलर बॉल है ठीक है नाउ

ओके okay, कितना क्या बोल सकते हैं कितना मैटर उसमें ठूसा हुआ है कितना मैटर भरा हुआ है उसमें ठीक है तो कैन यू सी मास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा है सेकेंड ऑब्जेक्ट से करेक्ट ओके सो अंडरस्टूड क्या मास का मीनिंग क्या है ठीक है इन डिटेल बाद में देखेंगे हम लोग ठीक है सो सपोज देर आर टू बॉल्स सो वॉट न्यूटन इज सेंग दिस टू बॉल्स आर अट्रैक्टिंग इच अदर ये दोनों भी बोलना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे एक दूसरे को खींच रहे अपने तरफ ओके दैट इज वॉट न्यूटन इज सी ओके दैट इज फाइन ओके सो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन एवरी ऑब्जेक्ट इन दूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विदेफिनेट फोर्स ओके सो क्या बोला है कि दो ऑब्जेक्ट अगर है तो ये दो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा ये जो M1 ऑब्जेक्ट है इट विल अट्रैक्ट M2, दिस M2 ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट M1,

ये जो फोर्स है पे देखो प्रोडक्ट ऑफ masses ऑफ टू ऑब्जेक्ट सो दो ऑब्जेक्ट का जो masses है उसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब क्या प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना दैट यू मस्ट बी नोइंग ओके मतलब मल्टीप्लिकेशन सो so, इसका पास कितना है फर्स्ट प्रोडक्ट का एम वन सेकेंड का कितना एम टू सो इट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इन टू एम टूट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम ओके दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है सो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस्टेंस बिटवीन दैप अभी डिस्टेंस क्या है दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है देखो दोनों में कुछ डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस इज आर नाउ कैन यू सी दिस डिस्टेंस इज नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये डिस्टेंस इतना नहीं है ये डिस्टेंस कहां से कहां तक है फ्रॉम हियर टिल this point okay so can you see this distance is start, starting from center of m1 to center of m2 right so distance is not between the object distance is between center of the object distance is between center of the object so this is the distance between the object r so what he is saying

How it becomes? F is directly proportional to m1 into m2 divided by r square. Okay, this is one and the same thing. Okay, now, now if I want to change this proportionality sign into equals to sign. Okay, if I want to change this into equals to sign, I will get one constant over here. Okay, I will get one constant over here. That constant is g.

Now, this capital G is called as gravitational constant. Okay, this sorry, okay, this is just not gravitational constant, this is universal gravitational constant. Okay, I forgot to write the universal, okay, name. So, G is capital G is universal gravitational constant. Why it is universal? Because G is same.

so i will read it once again every object in the universe attracts every other object with a definite force this force is directly proportional to the product of masses okay product of masses and inversely proportional to the square of distance between them understood okay so for kia expression co exath kia and then uh, when we convert that into equals to you will get one constant which is called as

henry cavendish and he gave the value of g and value of g is 6.673 into 10 raised to minus 11 newton meter square divided by kg square okay what is this this is the value of g 6.673 into 10 raised to minus 11 okay and this is unit of जी कैपिटल जी कैपिटल जी का क्या है ये यूनिट है दिस इज यूनिट ऑफ कैपिटल जी ठीक है ये कैसे यूनिट ओके इन वीडियो एंड दिस इज दैल्यू विच इज कॉन्स्टंट ओके सो वाई दिस जी वाई दिस जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिकॉज ये जो कैपिटल जी का वैल्यू है वैल्यू जी है ती यूनिवर्स मध्य सेम तुम्हें कुछ ही जा यू गो टू अर्थ Okay, you go to uh, Pluto, you go to um, Sun, a, a, wherever you go, this value remains constant. Okay, so it is called as universal gravitational constant. Okay, hope you understood this. Okay.